सो गाइस, तुम लोग सोच रहे होंगे मैं स्ट्रीम नहीं क्यों कर रहा। तो ये देखो हालत, तो अभी मैं इसको पूरा डायग्नोस कर रहा था। पीसी ऑन नहीं हो रहा था मेरा, पूरा पूरा पिक्चर नहीं आ रहा डिस्प्ले में। मैंने पूरा चेक किया, रैम वैम खोला, सीपीयू पर ही सॉकेट किया, थंबनेल पे सब कुछ चेंज किया, यहाँ तक कि हीट सिंक सब भी खोल दिया। उसके बाद पता चला कि ये पीसीआई लैन जो है ये ख़राब है। जैसे मैं सेकेंड वाले पर लगाता हूँ पिक्चर आ जाता है, इसमें लगाने से नहीं आता। भाई किसी को सोल्यूशन पता है तो इसको कैसे रिपेयर कर तो बताओ कमेंट पे फटाफट। तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। देखो 3 दिन से मैं पीसी यूज़ नहीं कर पा रहा, दुकान में भी डाला, दुकान में भी पता नहीं लगा पाया ये लोग। तो ये पूरा दिमाग लगा के टेस्ट किया, अभी पता चला क्या प्रॉब्लम है। अभी एक नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा शायद। इसमें अगर चलाया तो इसको फुल परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा मेरा, क्योंकि RTX 3060 है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको अगर रिपेयर कर पाया तो देन अच्छी बात है। अगर आप लोग भी ये फेस कर रहे हो तो ये वाला ट्राई करो, जरूर से काम करेगा। सो गाइस, फाइनली सब कुछ आ रहा है। पहला PCIe एक्सप्रेस में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, सेकेंड वाला यूज़ कर पा रहा हूँ। तो आधा स्पीड लगभग 10% का लॉस होगा मेरे को, बाकी बेंच पर चल रहा है। पूरा ग्राफिक्स कार्ड एकदम ओके, CPU ओके, एवरीथिंग ओके। बट ये वाला सेक्शन सिर्फ PCIe नहीं, मेरा M.2 NVMe स्लॉट भी शॉर्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया NVMe तो चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर तुम लोग को भी फेस करना पड़ा ये सब प्रॉब्लम तो ये ट्राई करना, जरूर से काम करेगा। तो अभी इसको बोर्ड को मैं देखते हैं दुकान लेके जाता हूँ, अगर ये ठीक हो पाता है देन मेरा पैसा बच जाएगा, अगर नहीं होता तो मुझे नया बोर्ड लगाना पड़ेगा एक। फिर भी अभी चालू कंडीशन है तो अभी स्ट्रीम करूँगा। तो अभी फटाक से जाके एक थर्मल पेस्ट लेके आते हैं, बिना थर्मल पेस्ट पे कट चल रहा है। तो गाइस अभी पूरा 1 घंटा से टेस्ट कर रहा हूँ, थर्मल पेस्ट लगा दिया, नया सब कुछ लगा दिया, परफेक्टली वर्क कर रहा है अभी। अब पता नहीं कितना दिन चलेगा ये बोर्ड, मैं जल्दी इसको रिप्लेस करने वाला हूँ, ऑर्डर देके आ गया बोर्ड जो मुझे चाहिए। पर बहुत बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा 3 दिन से। अभी पूरा साफ कर रहा हूँ इसको, खोल के पूरा गंदा होके रखा है, अंदर जंग लग गया है भाई, पता नहीं कैसे लेकिन जंग लग गया है। तो अभी से स्ट्रीम करना पड़ेगा, बहुत हालत टाइट था 3 दिनों से यार। अभी फाइनली ठीक हो गया इसको, पता नहीं कितना दिन मेरा साथ देगा ये और बोर्ड। थैंक गॉड अभी तो चल रहा है परफेक्टली, सब कुछ टेस्ट कर लिया मैंने, बेंच पर गेम सब कुछ। तो अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जरूर से डायग्नोस करना पीसी को पूरा खोल के, दुकान में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेजर शॉर्ट है बोर्ड में तब लेके जाना, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा 2-3 दिन से। अभी जान पे जान आया, चालू हो गया ये, यही तो सहारा है कि नहीं। तो अभी मिलते हैं जब मेरा नया बोर्ड आएगा। तो गाइस ये दूसरा अगला दिन है, तो अभी बैड न्यूज़ है फिर से। ये सुबह उठ के देखा अभी नहीं चल रहा, वापस से प्रॉब्लम आ गया। मैंने सेकंड फ्लोर पे ही लगा के रखा है, लगता है ये भी गया, तो बोर्ड और सहारा नहीं देगा शायद। फिर भी एक रिस्टार्ट मार के देखा, रिस्टार्ट अभी देखते हैं, अगर सिग्नल आ गया तो यहाँ पे नम लाइट जल उठेगा, अगर नहीं आया तो गया RIP MIPC। तो बोर्ड को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, 10,000 का फटका यहाँ पे, सीधा यहाँ पे लगा, क्या करे जिंदगी ख़त्म है। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है यार, ये पता नहीं क्यों होगा। मैं वैसे मैं बिना UPS का चला रहा हूँ यार, नहीं आ रहा सिग्नल, नहीं आ रहा खत्म है, तो इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है अभी इसको रिप्लेस करेंगे, पता नहीं कब तक कर पाऊँगा, तब तक नो स्ट्रीमिंग नथिंग, वीडियो भी नहीं कुछ भी नहीं, मर गया। तो मिलते हैं जब ठीक होगा।